आपका प्रदर्शन किया गया था, क्यों ये प्रदर्शन क्यों किया गया और किस तरह से पुलिस यहाँ पर लेकर आई, उनसे क्या कुछ चर्चा हुई? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सांसद में जब CAA के कानून जब पारित हो जाता है, उसके बावजूद मुंबई में, नागपाड़ा में, शाहीनबाग में, दिल्ली में, वहाँ पे जो प्रदर्शनकारी है वो देश विरोधी नारे लगाकर प्रदर्शन करते हैं, उन पर कुछ केस नहीं लिया जाता है। लेकिन हम जो हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर जी है, उनके विरोध में जो अभद्र टिप्पणी की जाती है कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस के मुख्य पत्र द्वारा, तो हम उसका जब विरोध करते हैं तो हम पे केस लिया जाता है। तो आप खुद पूछ सकते हैं महाराष्ट्र सरकार से, ये क्या चल रहा है करके महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर विरोध करके वीर सावरकर जी को लेकर जो आपने विरोध, जो आपने प्रदर्शन किया, तो महाराष्ट्र सरकार को क्या कुछ बताने की और कोई उनसे अपील है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो पूरा मुंबई युवा मोर्चा और पूरा भारतीय जनता पार्टी इसका निषेध करता है जो उन्होंने अपने मुख्य पत्र में लिखा है। और हमारे जो स्वतंत्र वीर सावरकर जी हैं, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, उसका हम कड़ा निषेध करते हैं। और आगे भी पूरे मुंबई में जब तक महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी माफ़ी नहीं मांगेगी, युवा मोर्चा रास्ते पे उतरेगा, कांग्रेस के हर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेगा और उनको दिखाएगा कि आपके खुद के नेहरू जो लंदन से अपने कपड़े धुला के लाते थे, जो सिगरेट्स प्लेन से मंगाते थे अपने लिए, तो वो युवा को उनको आदर्श मानना चाहिए कि जो 12 साल का कारावास काट के आए देश के स्वतंत्रता के लड़ाई में, तो उनको आदर्श मानना चाहिए। सवाल मैं उद्धव ठाकरे जी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार क्यों मौन है करके, आप कुछ नहीं बोल रहे इस विषय को लेकर। तो उद्धव ठाकरे जी से मेरा सवाल है कि आपको लोगों को जवाब देना है कि वीर सावरकर जी का अपमान हो रहा है और आपके साथ में सत्ता में है कांग्रेस, तो आपको बाहर आकर जवाब देना चाहिए लोगों को। अभी कलम क्या बनाया गया था वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, मुझे लगता है कलम 68 बनाया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, और पीसफुल प्रोटेस्ट के होते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपको उदाहरण दिया कि जो देश विरोधी बातें करते हैं तो उनको कभी भी उन पर केस नहीं बनता है, लेकिन हमने जो देश के स्वतंत्रकारी हैं उनके सम्मान में जब हम युवा मोर्चा मैदान में उतरे तो हमको बुलाकर बैठाकर यहाँ पर हमको केस बनाया गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे, युवा जिस तरह से सम्मान के लिए अपने देश के जो वीर सावरकर जी हैं और जो हमारे महान लोग हैं जिन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए काम किया है, उनके बारे में जब गलत टिप्पणी की जाती है, उसके लिए जब युवा मोर्चा के सभी लोग, ये पहली बार नहीं है, हर बार जिस तरह से आते हैं बाहर आकर उनकी रक्षा के लिए, उस पर जो टिप्पणी होती है उस पर बात करते हैं, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? मैं तो पहले अपने चैनल के माध्यम से मैं सभी मेरे युवा साथियों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। काफ़ी कम समय में बहुत ही अच्छा विरोध प्रदर्शन आज हमारे युवा साथियों ने तेजेंद्र जी के नेतृत्व में किया। लेकिन उसके साथ साथ मैं महाराष्ट्र की जो सरकार आज खिचड़ी सरकार बनी है, उनके सभी नेताओं को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, और ख़ास करके शिवसेना के हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी से कहना चाहूँगा कि आपने हिंदुत्व को छोड़ा। 19 तारीख के छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मतिथि के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह है उसको छोड़ा, जब आप विरोध में थे तो तिथि के अनुसार शिवाजी महाराज का जन्मतिथि मनाने वाले थे, आज 19 फरवरी को जो कांग्रेस ने तय की हुई है वो तिथि को आप शिव जयंती मनाने वाले, अच्छी बात है। लेकिन आपके पिता श्री जी ने, जब मणिशंकर अय्यर जी ने अभद्र टिप्पणी और जहाँ पर स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी को 11 साल की सज़ा हुई थी, काले पानी की, दो काले पानी की सज़ा हुई थी, वहाँ के उनके कविताओं के कुछ छंद वहाँ पे लिखे हुए थे जो स्मारक हमारे अटल जी के उस वक्त के पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक जी ने लगाए थे, वो निकालने का काम मणिशंकर अय्यर ने जब किया और अभद्र टिप्पणी स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावर जी के बारे में किया था, तो आपके पिताजी ने भर चौक में उनके पुतले को चप्पल मारी थी। अब आप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, तो आप आपके पिताजी का आदर्श रखेंगे कि इन कांग्रेसियों ने जिस तरह से अभद्र टिप्पणी करके बार बार स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान किया है, उनके कंधे से कंधा मिलाकर ये शर्मनाक बात आप उसके साथ में रहेंगे, हम पूछना चाहते हैं और पूरी महाराष्ट्र की जनता पूछना चाहती है श्रीमान उद्धव ठाकरे जी से कि आप क्या करेंगे, आप मौन क्यों है।
आप देश के गद्दारों के लिए मौन क्यों है? आज हमारे युवा साथी जब सावरकर जी के सम्मान के लिए रास्ते पर उतरे तो उनको पुलिस ने तुरंत चतुराई देखकर उनको अरेस्ट किए और उनके ऊपर कलम डाले, लेकिन नागपाड़ा में जो संसद में कानून पारित हुआ था उसके विरोध में देश के टुकड़े टुकड़े करने की भाषा बोलने वाले लोगों को आज भी वहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। दिल्ली का मैं बात नहीं करूँगा, मैं महाराष्ट्र की बात करूँगा। उनके लिए अलग कानून और हमारे भारतीय जनता पार्टी के देशभक्त कार्यकर्ता युवा कार्यकर्ताओं के ऊपर अलग कानून। कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का। हमारा युवा साथी आज सावरकर जी का जय जयकार करने के लिए, भारत माता की जयकार करता है, तो उनके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई करते हो? हम इस भारतीय जनता पार्टी सभी युवा कार्यकर्ता और पूरी महाराष्ट्र की जनता इस कांग्रेस और ये तिगाड़ी सरकार का निषेध करते हैं, निषेध करते हैं। सब लंबा।